दोनों मेरी बताया देखा दो है। थाना सुभाष प्लेस के इलाके में एक आदमी की गुमशुदगी मिसिंग दर्ज की गई, जिसमें ये बताया गया कि राम गोविंद, जिनकी उम्र 32 साल थी और सुभाष प्लेस थाना इलाके के वो निवासी थे, वो 28 जनवरी 2019 से लापता थे। सूचना पुलिस को मिलने पे एक मिसिंग की डीडी एंट्री करी गई और जब अगले दो दिन तक भी राम गोविंद अपने घर वापस नहीं आया और परिवार वालों ने शक जताया कि किसी तरह की उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई हो सकती है, तो 31 जनवरी 2019 को FIR दर्ज करी गई मामले में। FIR नंबर 35 दर्ज किया गया, धारा 365 लगा के, और जांच शुरू करी गई। दौराने जांच ये सरफेस हुआ कि जो विक्टिम राम गोविंद है, उनका एक मोबाइल फोन यूपी में हापुड़ की तरफ चलता पाया गया और पुलिस टीम ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो और इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस को आगे बढ़ाया और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की मदद लेनी शुरू करी, तो ये पता लगा कि एक CCTV फुटेज है हापुड़ की तरफ की, जहाँ पे अक्यूज विक्टिम की जो गाड़ी है, सफ़ेद कलर की हुंडई एसेंट गाड़ी, उसको एक आदमी चलाता हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ कोई बैठा भी है। तो वहाँ से लीड आगे परस्यू करते हुए थाना क्षेत्र सुभाष प्लेस की टीम ने और स्पेशल स्टाफ नॉर्थ वेस्ट की टीम ने इंस्पेक्टर बलिहार और सब डिवीजन ACP संजीव कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने अक्यूज्ड फरहात अली और उनकी को अक्यूज्ड असलम खातून इलियास सीमा, इन दोनों को लोनी की तरफ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी पर इन्होंने ये बताया कि जो विक्टिम राम गोविंद है, इन्होंने 28 तारीख की रात को विक्टिम की गाड़ी में पना ली, विक्टिम ओला उबर कैब चलाते थे, 28 तारीख की रात को इन्होंने विक्टिम की गाड़ी में एज पैसेंजर्स बैठे और बीच रास्ते इनकी थोड़ी नीयत खराब हुई, प्लान इन्होंने बनाया विक्टिम की गाड़ी को हड़पने का और उसी मंशे से विक्टिम को मारने का भी। विक्टिम को अपने घर ले गए, उसे चाय में नशीला कुछ पदार्थ मिला के पिलाया गया। जैसे ही विक्टिम बेसुध हो गया, बेहोश हो गया, तो इन्होंने विक्टिम का पहले गला दबाकर उसको मार दिया और उसके बाद उसकी गाड़ी ठिकाने लगाने चले गए। ये गाड़ी को यूपी की तरफ ले गए आगे और अगले दिन वापस आके, जो कि 29 तारीख हो गई थी, 29 तारीख को वापस आके इन्होंने विक्टिम की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काट दिया, उसको 3 अलग अलग पैकिंग्स में पैक करके लोनी के ही थोड़ा आगे पास गौर सिटी के पास एक नाला था, उसमें डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो इसमें जांच के दौरान जो विक्टिम की हुंडई एसेंट गाड़ी है वो रिकवर हो गई है, विक्टिम का मोबाइल फ़ोन रिकवर हो गया है, दोनों एक्यूज अरेस्ट हो गए हैं और एक्यूज ने विक्टिम की बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए जिस 2-व्हीलर का इस्तेमाल किया था वो 2-व्हीलर भी रिकवर हो गया है। मैम, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, इनकी प्रोफाइल्स क्या? फरहात अली बेसिकली अमरोहा ज़िले के रहने वाले हैं पीछे से और छोटा मोटा कुछ दवाइयों का ही काम करते हैं और पीछे की इनकी यूपी की ही 2 इन्वॉल्वमेंट्स भी हैं। क्या इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट, क्या क्या मतलब रेंडमली लोगों ने ये क्राइम कर दिया या फिर मतलब इनका ही काम ही है कि कार लूटना या कार जैकिंग करना? देखिए, जैसा कि मैंने आपको इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स के बारे में बताया, तो पीछे की जो 2 इन्वॉल्वमेंट सर्विस हुई है उसमें एक क्रिमिनल ट्रेसपास 452 का मुकदमा है और एक फरहात अली के खिलाफ रेप का भी मुकदमा सरफेस हुआ है और असलम खातू इलिया सीमा जो है उनकी अभी ऐसी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सरफेस नहीं हुई है। इस बारे में जांच जारी है और जांच इस बारे में भी की जा रही है कि क्या इन्होंने इसी तरह की मोडस ऑपरेंडी के साथ और किसी केसेस को दिल्ली या NCR में अंजाम दिया। मैम, जो चाय में आपने बताया कि कोई नशीला पदार्थ मिलाया था, वो कोई दवाई थी, टैबलेट्स थी, क्या था, क्या हुआ? इनका कहना है कि इन्होंने कुछ नशीले टैबलेट्स जो थे वो विक्टिम को दिए थे, बाकी जिस तरह से फोरेंसिक जांच में आगे आएगा उस तरह से इन्वेस्टिगेशन में रुक दिया। क्या इनके पास किसी तरह का हथियार है, मार्केट में अवेलेबल है इजीली ऐसा? ये खुद भी जैसा मैंने बताया कि कुछ दवाइयों का ही काम करते थे, तो शायद इनको इस तरह के सेडेटिव्स के बारे में नॉलेज भी थी। इनके पास किसी तरह का हथियार है, कुछ भी है बरामद हुआ?
जो इन्होंने बॉडी को म्यूटिलेट करने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए जो कटर और उस तरह इस्तेमाल किया वो इनके पास से रिकवर हो चुका है। ठीक इस तरीके से कर ना पूरा थोड़ा सा बीच में आओ, मैडम। वही से था, प्रॉपर्टी साफ है।